सो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट है। गाइस, विंडोज 10 में मैंने आपको बताया था कि आप अपने सिस्टम क्लॉक पे सेकंड्स कैसे लगा सकते हैं। कई बार आपके कई टास्क में काम आ जाता है कि आपको सेकंड्स भी वॉच करने हो। सपोज आप कोई क्विज दे रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस क्विज पर, पर्टिकुलर क्विज पर कोई टाइमिंग नहीं आ रही और पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से वो क्विज आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप उस सेकंड्स की हेल्प ले सकते हैं। या फिर कोई पर्टिकुलर टास्क आप एक सेकंड्स के हिसाब से करना चाहते हैं, टाइमर के हिसाब से करना चाहते हैं, तो आपके वो सेकंड्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन विंडोज 11 में वो ट्रिक काम नहीं कर रही, क्योंकि जो विंडोज 10 में मैंने आपको बताया था वो रजिस्ट्री एडिटर टूल की हेल्प से बताया था, लेकिन विंडोज 11 में काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया कि वो ट्रिक काम नहीं कर रही। तो उसका इलाज क्या है, हम यहाँ पे विंडोज 11 में कैसे अपने सिस्टम क्लॉक में सेकंड्स लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो विंडोज 11 में ये जो टास्क हम परफॉर्म करेंगे एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की हेल्प से, जिसको आपको डाउनलोड करना होगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। ठीक है, कहीं से आपको इधर उधर से डाउनलोड नहीं करना, सीधा आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाएंगे। विंडोज 11 में मैंने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन किया, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हुआ, देन यहां पर आपको एक ऐप यहां पर सर्च करनी है जिसका नाम है 11 क्लॉक। ठीक है, ये आपको सर्च करनी है। ये सर्च करते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा 11 क्लॉक, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस ऐप को आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, 5-स्टार रेटिंग आप देख सकते हैं, इंस्टॉल बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप इस ऐप के बारे में सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। इस ऐप के काफ़ी सारे फीचर हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सेकंड्स ही नहीं, बहुत कुछ आप इस ऐप की मदद से कर सकते हैं, यानी कि अपने सिस्टम की जो क्लॉक है उसको कंप्लीटली आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसके जो स्नैपशॉट हैं उनमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिफाइन कर रखी है, कमेंट्स वगैरह और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, 42.12 MB की ये ऐप है, बहुत ज्यादा बड़ी ऐप नहीं है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं है। इस ऐप के डाउनलोड होने का और इंस्टॉल होने का वेट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पे ये जो ऐप है इसका स्टेटस इंस्टॉल लिखा गया, दैट मींस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है। इसको हम क्लोज कर देते हैं यहां से। ऐप इंस्टॉल होने के बाद सीधा आपके इधर सिस्टम ट्रे आइकन में आ जाएगी, आप चाहे तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सर्च ऑप्शन में जाएंगे यहां पे और टाइप करेंगे 11 क्लॉक। जो हमने आपको क्लॉक यहाँ पे इंस्टॉल करवाई है वो आप क्लॉक सर्च करेंगे तो यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमें जरूरी है कि हम अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज तो कर लें। तो कस्टमाइज करने के लिए आप जाएंगे 11 क्लॉक सेटिंग पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, 11 क्लॉक सेटिंग आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगी। तो 11 क्लॉक सेटिंग का जो इंटरफेस है वो हमारे सामने आ चुका है, इसको इस तरीके से हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे जितने भी सेटिंग आप देख रहे हैं, जनरल सेटिंग, क्लॉक पोजिशन एंड साइज, क्लॉक अपीयरेंस एंड डेट एंड टाइम सेटिंग, इनकी मदद से आप अपने सिस्टम क्लॉक को कस्टमाइज बना सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल सेटिंग में आपको ऑप्शन मिलेंगे, लाइक आप अपनी इस ऐप को अपडेट करना चाहते हैं, ऑटो अपडेट लाइक, और सिस्टम ट्रे में आप देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, इस तरह की सेटिंग मिलेगी। क्लॉक सेटिंग में आपको मिलेगी फुल स्क्रीन मोड में आप इसको हाइड अनहाइड करना चाहते हैं, लाइक अगर आप गेम खेल रहे हैं तो फुल स्क्रीन मोड में रहता है आपका सिस्टम, आप उस टाइम क्लॉक इसको रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, इस तरह की सेटिंग यहाँ पे मिलेगी। क्लॉक पोजिशन एंड साइज, आप सिस्टम यानी कि अपने डेस्कटॉप पे आप क्लॉक की पोजिशन क्या चाहते हैं, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, आप कौन सी पोजीशन यहाँ पे चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। क्लॉक अपीयरेंस में फॉन्ट साइज और कलर क्लॉक का आप डिफाइन कर सकते हैं, और जिस एम के लिए हमने यहाँ पे वीडियो बनाया है, लाइक जो हम सेकंड्स आते हैं अपने क्लॉक में, उसके लिए आप यूज़ करेंगे डेट एंड टाइम सेटिंग। ठीक है, डेट एंड टाइम सेटिंग में जाएंगे, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, शो टाइम ऑन क्लॉक। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि आपके जो सिस्टम क्लॉक है उस पर टाइम आपको नजर आए तो आप इसको चेक रहने देंगे। ठीक है, अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो टाइम यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं शो सेकंड्स ऑन द क्लॉक, अगर आप चाहते हैं सेकंड भी शो हो तो आप इसको चेक कर देंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड्स आ गए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे सेकंड प्लेस कर सकते हैं। शो डेट ऑन द क्लॉक, अगर आप चाहते हैं कि डेट यहाँ पे शो हो ना हो तो आप यहाँ पे इसको चेक एंड चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वीक नंबर या फिर वीक डे यहाँ पे शो हो तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, आपको वीक डे भी शो कर देगा, आज कौन सा डे है, थर्सडे, तो यहाँ पे थर्सडे यहाँ पे शो कर देगा। तो ये यहाँ पे सिंपल सेटिंग है 11 क्लॉक ऐप की, जिसकी मदद से आप अपनी जो क्लॉक है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये ऐप कैसे वर्क कर रही है, ये ऐप ने आपके सिस्टम क्लॉक में कोई चेंज नहीं किया है, ये एक अलग से ऐप है जो आपके सिस्टम क्लॉक पे प्लेस कर दी गई है और जो आपको हूबहू वैसी लग रही है जैसे आपके सिस्टम क्लॉक है। ठीक है, और भी सेटिंग आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं, सिस्टम ट्रे में आपका आइकन आता है इस पर राइट क्लिक करके यहां से भी आप सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। आई होप कि जो छोटी सी इंफॉर्मेशन है और जो भी लोग सोच रहे थे या फिर चाह रहे थे कि उनके सिस्टम क्लॉक में सेकंड्स आ जाएं या फिर कुछ और सेटिंग्स यहां पे कर पाएं, तो वो इस वीडियो की हेल्प से कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके काम आएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।